Welcome back. In this particular video, I am going to discuss about quantile method, which is basically part of unit 1, that is data handling and visualization of IP class 12. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्वांटाइल, क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझना है और उसके बाद में हम मैन्युअली कैसे क्वार्टाइल या परसेंटाइल किसी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन या डेटा के लिए करते हैं उसे समझना है एंड उसके बाद में क्वार्टाइल फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए अपने डेटा फ्रेम में अवेलेबल डेटा की एनालिसिस करना है। मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट में क्वार्टाइल कैलकुलेशन को लेकर काफी कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि कई लोग कई अलग अलग तरीकों से इसे कंप्यूट करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, बट एग्जैक्टली इसकी राइट अप्रोच क्या है वो ज्यादातर हमें क्लियर नहीं हो पाती है। बट आई एम श्योर आज जो मैं इस वीडियो सेशन में फॉर्मूला या यू कहें क्वार्टाइल कैलकुलेशन बता रहा हूँ उसे देखने के बाद मे बी किसी भी ट्यूटोरियल की जरूरत आपको नहीं होगी एंड कन्फ्यूजन भी डेफिनेटली आपको नहीं होगा। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चले सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एज वेल। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। वेल सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्वांटाइल एक्चुअली। वेल क्वांटाइल को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो जैसा मैंने यहां पे लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, क्वांटाइल इज अ वे टू एनालाइज अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन इन द सेंस जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, दैट टेल्स हाउ मेनी वैल्यूज इन ऑब्जर्वेशन और यू कैन से द गिवन रेंज ऑफ डेटा आर अबव और बिलो अ सर्टेन लिमिट। नाउ हो सकता है थोड़ा सा ये आपको कन्फ्यूजिंग लगे अभी ये डेफिनेशन जो मैंने आपसे शेयर की, सो इसे समझने की हम कोशिश करते हैं थोड़ा नॉर्मल तरीके से। वेल सबसे पहले यदि आप ध्यान दें हमारी यूनिट का नाम है दैट इज बेसिकली डेटा हैंडलिंग, मैं इसे यहाँ पे दो मिनट अलग से हाईलाइट करता हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस हैंडलिंग एक्चुअली। सो हैंडलिंग का मतलब हम सीधे सीधे अगर कहें तो सबसे पहली बात तो ये हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं और इसके साथ में एक पॉइंट हम और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि वी कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग रिकॉर्ड्स। नाउ ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम इंक्लूड करते हैं दैट इज नोन एज व्हाट योर डेटा एनालिसिस। एंड वी ऑल नो दैट कि जब हम किसी डेटा के एनालिसिस की बात करते हैं इसका मतलब ही ये होता है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल डेटाज हैं उन डेटास की बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस को कैरी आउट करना और उन ऑपरेशंस की बेसिस पे जो हमें रिजल्ट मिलता है जिसे हम कह सकते हैं जो पैटर्न हमें डेटा का मिलता है या यू कहें कि जो डेटा का ट्रेंड हमें समझ में आता है जिसकी हेल्प से डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेके वो अपने ऑब्वियसली बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। तो जो डेटा एनालिसिस का पार्ट होता है इस एनालिसिस के पार्ट के लिए हम बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डेटा विजुअलाइजेशन की बात की है, उस एनालिसिस में ही हम कहीं ना कहीं इस क्वांटाइल का भी इस्तेमाल करते हैं। आगे चल के हम देखेंगे क्वांटाइल मेथड हमारे पास होता है जिसकी बेसिस पे हम हमारे अवेलेबल जो ऑब्जर्वेशंस या डेटा होते हैं उन्हें किस तरह से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो हमारी लिमिट है उसके नीचे कितने हैं और लिमिट से ऊपर कितनी वैल्यूज हैं। नाउ जब भी हम अवेलेबल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा फील्ड है जो एक्चुअली हमारे डेटा एनालिसिस से इन्वॉल्व होता है। सो इसी स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट हमारा क्या होता है क्वांटाइल होता है। तो क्वांटाइल को जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका काम ये रहता है कि जो भी अवेलेबल हमारे पास रेंज ऑफ डेटा है उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना और जो भी पार्ट हमने डिवाइड किया है उसे एक लिमिट समझते हुए ये ऑब्जर्व करना या ये एनालिसिस करना कि उस लिमिट के नीचे टोटल कितनी वैल्यूज हैं और उस लिमिट के ऊपर टोटल कितनी वैल्यूज हैं। सो दिस इज समथिंग वी कैन से अबाउट क्वांटाइल। इसे और भी थोड़ा आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन मैंने यहां पे लिखा हुआ है क्वांटाइल इक्वल टू इंडिविजुअल इक्वल पार्ट ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट आई हैव टू पॉइंट्स, वन इज माई ए एंड सेकेंड इज वॉट माई बी। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए इक्वल पार्ट्स में तो डेफिनेटली इसका जो सेंटर पॉइंट होगा आप उसे मार्क करेंगे एंड लेट सपोज अगर मैं इसे एक पॉइंट नेम दे दूं सी
इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि देर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर यू कैन से लाइन और यू कैन से द रेंज ऑफ वैल्यूज, जिसमें कि एक जो है वो ए टू सी है और एक जो है दैट इज सी टू बी है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ये जो मिडिल पॉइंट है जिसे ज्यादातर हम मीडियन के नाम से जानते हैं, इस मीडियन का मतलब ये है कि इस मीडियन की वजह से हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया अपने गिवन रेंज को। तो ये जो दो इक्वल पार्ट हुए इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक मीडियन जब मैंने निकाला तो इसका मतलब हमने यहां पर दो क्वांटाइल फाइंड आउट किया या दो क्वांटाइल में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरह से अगर मैं इसे चार पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो इसका जो एक एक इंडिविजुअल इक्वल पार्ट्स है इसे हम कहेंगे कि ये फोर क्वांटाइल्स हो गए और ये फोर क्वांटाइल मिलकर हमारे एक क्वार्टाइल का निर्माण करते हैं। इसी तरह से अगर जो मेरे पास ये रेंज होती है अगर मैं इसे से फॉर एग्जांपल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं या सपोज मैं इसे 8 पार्ट्स ले लेता हूं फॉर द टाइम बीइंग, इसका मतलब 8 इक्वल पार्ट्स किया मतलब 8 मैंने क्वांटाइल इसका रेडी किया और इसे हम जानते हैं 1 ऑक्टाइल के नाम से। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जो क्वांटाइल होता है इसका मतलब किसी भी गिवन रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन या रेंज ऑफ डेटा या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आपने अपने लिए कलेक्ट किया हुआ होता है उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और आप देख सकते हैं ये जो वर्ड है क्वांटाइल ये बेसिकली डिराइव हुआ है वर्ड हमारे क्वांटिटी से। तो किसी भी क्वांटिटी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना और वो जो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं दे आर एक्चुअली नोन एज व्हाट योर क्वांटाइल। और इसी क्वांटाइल को जब हम दो क्वांटाइल बोलते हैं तो वो मीडियन हो जाता है, फोर क्वांटाइल बोलते हैं तो वो क्वार्टाइल कहलाता है। सो ये तो मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की एक डायग्राम की हेल्प से। चलिए अब एक रेंज ऑफ वैल्यूज लेते हैं और उस वैल्यूज की बेसिस पे हम कोशिश करते हैं समझने की क्वांटाइल को, देन क्वार्टाइल को एंड ऑब्वियसली परसेंटाइल को, एंड उसके बाद में फिर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं। सो हमें ये तो क्लियर हो गया कि क्वांटाइल का मतलब होता है अवेलेबल जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं या जो डेटा है या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। नाउ से फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज हैं, सपोज मैंने मेरी क्लास के जितने भी आईपी के स्टूडेंट्स हैं उनका आउट ऑफ 80 जितने भी मार्क्स आया है उन्हें मैंने कलेक्ट किया, उसे मैं यहाँ पर एक लिस्ट का फॉर्म दे देता हूँ या डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। नाउ से फॉर एग्जांपल ये मैंने डेटा यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है, इसके बाद में सबसे पहले मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसका मिड पॉइंट निकाला जाए, इन द सेंस मैं इसे दो पार्ट्स में या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। सो नाउ आफ्टर अरेंजिंग ऑल दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर मैंने ये देखा कि जो मेरा मिड पॉइंट है दैट इज हियर, सो आई कैन से दिस इज माई मीडियन। अब जैसे ही मैंने इस मीडियन को फाइंड आउट किया वी ऑल नो दैट और वी कैन अंडरस्टैंड कि मैंने इस पूरे की पूरी जो अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस थी या जो अवेलेबल डेटा थे इसे मैंने दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं वन मीडियन की बात करूं या सिर्फ मीडियन की बात करूं इसका मतलब मेरे पास दो क्वांटाइल अवेलेबल हो गए, दो पार्ट्स अवेलेबल हो गए। सो इन द सेंस आई कैन से मीडियन इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट टू क्वांटाइल्स। अब यहां पर जो 55 है अगर मैं इसे एक फिगर कंसीडर करूं सो आई कैन से दैट कि इस फिगर का 50% जो इसके बिलो है वो 55 से कम वाले वैल्यूज हैं और इस 55 से अबव जो 50% रिमेनिंग वैल्यूज हैं या जो उससे बड़ी वैल्यूज हैं वो 55 से बड़ी ही होंगी। और ये जो डिसीजन हो रहा है ये जो अवेलेबल रिकॉर्ड है या जो अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी ही बेसिस पे हम कर रहे हैं। तो जब हमने परसेंटेज टर्म यहाँ पे ले लिया तो इसे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर This is my 50 percentile. I am not saying percentage. I am saying that 50 percentile. इसका मतलब ये हुआ कि इस 50 percentile का मतलब जो value है इसकी 50 percentile, that is my 55. इसके below 50 percent values हैं और इसके above हमारे पास क्या है 50 percent values हैं. So अगर मैंने इसे दो equal part में divide किया, so I can say that there are two quantiles or you can say 50 percentile. एंड सिमिलरली यदि मैं इसे फर्दर और इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूं, लेट सपोज अगर मैं इसका एक मिड पॉइंट यहां पर एक पार्ट ये भी रेडी कर लेता हूं, रिमेनिंग ये पार्ट हो जाता है, इसी तरह से ये एक पार्ट होता है इक्वल पार्ट और ये एक दूसरा मेरा इक्वल पार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कैलकुलेशन करके हम कैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं वो फॉर्मूला अभी हम डिस्कस करेंगे,
बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैंने इसे फर्दर फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब अब ये मीडियन तो नहीं रहा, लेकिन हमने जब फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसका मतलब हमने एक क्वार्टाइल की बात की। और जब मैंने वन क्वार्टाइल बोला, मतलब मैंने यहां पर इसमें कहा कि फोर क्वांटाइल्स आर देयर, एंड फोर क्वांटाइल्स का मतलब अगर मैं इसे परसेंटाइल में निकालने की बात करूं अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे मैं अज्यूम कर रहा हूं 100 इक्वल पार्ट्स अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, सो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा 25 परसेंटाइल। नाउ यहां पर मैंने बात की कि 100 इक्वल पार्ट्स, किसी भी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप एज्यूम करें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का, तो मैक्सिमम आप 1 से लेकर 100 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे हम जानते हैं, या जिसे 1 अगर मैं कंसीडर करूं उसे हम कहते हैं 1 परसेंटाइल। और अगर आप 100 की बात करें, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसे हम जानते हैं 100 परसेंटाइल के नाम से। सो जब मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब 50 परसेंटाइल हुआ। जब मैंने फोर पार्ट में डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, मतलब एक क्वार्टाइल की जब मैंने बात की, इट बिकम्स व्हाट योर 25 परसेंटाइल। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमें बेसिकली क्वार्टाइल को ही कैलकुलेट करना है, उसी को सेंटर में रखते हुए हम आगे कैलकुलेशंस भी करेंगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस क्वार्टाइल, व्हाट इज दिस परसेंटाइल, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंडिविजुअल वन क्वांटाइल। सो बेसिस ऑन दिस फंडामेंटल, देर आर सम कॉमन क्वांटाइल्स जिसे हम अपनी कैलकुलेशन के दौरान ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, विच यू कैन सी राइट नाउ इन योर स्क्रीन। लाइक एज आई सेड, मीडियन की अगर मैं बात करूं, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 क्वांटाइल्स। अगर आप 3 क्वांटाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, इट बिकम्स व्हाट योर टर्साइल। इसी तरह से क्वार्टाइल, ऑब्वियसली 4 क्वांटाइल। जब आप 5 क्वांटाइल्स में या 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर क्विंटाइल। एंड सिमिलरली जब आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करें, इट बिकम्स व्हाट डेसाइल्स। एंड ऑब्वियसली जब आप 100 क्वांटाइल्स की बात करते हैं, इट बिकम्स व्हाट योर परसेंटाइल। सो ये तो बात हुई पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करने की। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इफ सपोज मेरे पास अवेलेबल रेंज ऑफ वैल्यूज है या अवेलेबल ऑब्जर्वेशन है मेरे पास में, उसकी बेसिस पे यदि मुझे क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है, या से फॉर एग्जाम्पल 1 इंडिविजुअल क्वांटाइल कैलकुलेट करना है, उसका बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, अब चलिए उसे हम कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उसके बाद में हम उसका प्रैक्टिकली अपने सिस्टम में फंक्शन को यूज करते हुए, क्वांटाइल फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सो द क्वेश्चन इज नाउ हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल। सो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कुछ यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ। सो लेट सपोज आई हैव कलेक्टेड दीज डेटा, अब इसकी बेसिस पे मुझे क्वार्टाइल या यू कहें परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला वर्क ये रहता है, अगर मैं स्टेप बाई स्टेप इसके ऑपरेशन की बात करूं, तो पहले तो आप इसे ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। आफ्टर अरेंजिंग ऑल दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, अब हमें यहाँ पे 3 चीजें कैलकुलेट करनी होगी। मैं यहाँ पर इसे लिखता हूँ। देखिए, जब हम किसी भी क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो 2 तरीके से हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप चाहें तो इसे चेक करने के लिए एमएस एक्सेल में जाएं, वहां फंक्शन में जाके चेक करें परसेंटाइल, तो आप वहां देखेंगे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है एक्सक्लूसिव के नाम से, एक होता है हमारा इंक्लूसिव के नाम से। तो ये दोनों तरीके से मैं यहाँ पर आपको क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा, एंड उसकी बेसिस पे जब हम अपने डेटा फ्रेम में क्वांटाइल फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, तो कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट हमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर आप एक्सक्लूसिव वे पे, से फॉर एग्जाम्पल आपने क्वार्टाइल को कैलकुलेट करना चाहते हैं, एंड एज आई सेड क्वार्टाइल का मतलब हम बात कर रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स की। इन द सेंस जो इसका परसेंटाइल होगा, दैट विल बी ऑब्वियसली आवर 25 परसेंटाइल। सो एज आई सेड, अगर हम एक्सक्लूसिवली क्वार्टाइल को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे 3 पॉइंट्स नोट कीजिए। एक है हमारा इंटरवल, दूसरा डिस्टेंस कितना आएगा, एंड थर्ड यू कैन से ऑब्वियसली कि हमारा जो क्वांटाइल होगा वो कितना होगा। क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंटरवल। इंटरवल का मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पोजीशन लोकेटर की। मैं यहाँ नीचे इसे लिख देता हूँ। इंटरवल का मतलब हमें फाइंड आउट करना है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई मिड पॉइंट, तो किस पोजीशन पे जाके मेरा एग्जैक्ट इक्वल पार्ट यहाँ पे एडजस्ट होगा। उस पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज फॉर एक्सक्लूसिव मोड। उसे हम लिखते हैं n+1 × p/100। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाई दिस n।
एन इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल ऑब्जर्वेशंस, मीन्स जितने भी टोटल हमारे पास नंबर हैं. से फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस देर आर 10 नंबर्स, तो यहाँ पे टोटल नंबर्स हमारे 10 हो गए. पी का मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे परसेंटाइल की. इसका मतलब अगर मैं क्वार्टाइल को फाइंड आउट करने की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा 25/100. सो बेसिस ऑन दिस सबसे पहले मुझे यहाँ पे इंटरवल फाइंड आउट करना है, आई मीन पोजीशन लोकेट करनी है. उसके लिए मैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा. इस दौरान मैं यहाँ पर n, चूंकि मेरे पास टोटल 10 नंबर्स हैं, सो मैं इसे लिखूंगा 10+1. देन मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा. ऑब्वियसली चूंकि मैं क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब मैं 25 परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ. इसका मतलब अगर मैं 25/100 करूँ तो इट विल बी 0.25. इसका मतलब अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ सो दिस विल बी 11 × 0.25 विच इज ऑब्वियसली आर 2.75. सो अब मेरे पास यहाँ पे जो इंटरवल मिला 2.75, इसका मतलब ये है अगर मैं इसकी पोजिशनिंग करूँ इन वैल्यूज की 1, 2, 3 लाइक दिस. सो मैंने जैसे बोला 2.75, इसका मतलब ये जो सेकेंड पोजिशन है और जो थर्ड पोजिशन की वैल्यूज है इनके बीच में मेरा कहीं ना कहीं इंटरवल लाई कर रहा है. सो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आई हैव टू पोजिशंस, 1 is 2 and 2 is 3. और जो वैल्यू है अगर मैं इसे 0.75 मीन्स 0.25 के अकॉर्डिंग अगर डिस्कस करूँ तो 2 के बाद ये 3 क्वार्टाइल पे अवे है. सो आई कैन से इट इज़ अवे फ्रॉम 3 क्वार्टाइल, मीन्स जो सेकेंड पोजिशंस है इसे 3 क्वार्टाइल दूरी पे मेरा नया वैल्यू होगा. और अगर मैं 3 की बात करूँ मीन्स थर्ड पोजिशन की वैल्यू की बात करूँ सो आई कैन से 1 क्वार्टाइल अवे. सो दिस इज माई इंटरवल. आफ्टर फाइंडिंग दिस इंटरवल लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टेंस. नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस डिस्टेंस इज मेरी जो थर्ड वैल्यू है मीन्स इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है. सो थर्ड वैल्यू जो है दैट इज माई 22. सो मैं इसे यहाँ पर कंसिडर करूंगा बिकॉज मेरा ये 2.7 आया तो 2 और 3 के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है. सो 22 माइनस मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा 18. एंड चूंकि मैं क्वार्टाइल फाइंड आउट कर रहा हूँ इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पे मैं मैन्युपुलेट करूंगा इससे अगेन इनटू 0.25. एंड इसका मतलब दिस विल बी 4 × 0.25 विच विल बी ऑब्वियसली आर 1.0. इसका मतलब जब डिस्टेंस या जो मुझे ट्रैवल करना होगा सेकेंड पोजिशन से, अगर मैं क्वार्टर की बात करूं, एक क्वार्टर मेरा 1 डिस्टेंस पे आ रहा है. अब इसके बाद में मेरे पास यहाँ पे मैं 2 पोजिशंस हैं, एक तो मेरी ये सेकेंड पोजिशन है और एक थर्ड पोजिशन है. मैं इन दोनों को यहाँ पे ले लेता हूँ, सेकेंड एंड थर्ड को. अगर मैं सेकेंड पोजीशन से इसके डिस्टेंस को इसमें ऐड करूँ तो ये बोलता है कि 3 क्वार्टर इसमें ऐड करना होगा. सो मैं यहाँ पर सेकेंड पोजीशन की जो वैल्यू है दैट इज माई 18, मैं इस 18 को लूँगा प्लस इसमें, चूंकि मैंने बोला कि ये 0.75 है इसका मतलब ये 3 क्वार्टाइल के इक्वल है मीन्स 0.25 × 3 और जो डिस्टेंस हुआ वो 1 का है. सो आई कैन सिंपली से 3 × 1.0 विच विल बी ऑब्वियसली 18+3 और ये हो जाएगा मेरा 21. सो दिस विल बी माई फर्स्ट क्वार्टाइल मीन्स 25% पे. और अगर मैं इसी चीज को 3 के थर्ड पोजिशन के साथ में करूँ सो दिस विल बी माई 22 प्लस यहाँ पर आप देखिए मैंने बोला 1 क्वार्टर अवे मीन्स ये रिवर्स होगा, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये नेक्स्ट पोजिशन है. सो मैंने बोला 22 माइनस 1 × 1.00. अब अगर आप इसे मैनुपुलेट करें सो दिस विल बी 22 − 1 विच इज अगेन 21. इसका मतलब ये है मैंने ये दो तरीके से लिया, आप चाहे तो 2 से कर लीजिए सेकेंड पोजिशन से या थर्ड से कर लीजिए, लेकिन आप देखेंगे दोनों ही सिचुएशन पे मेरी वैल्यू क्या रही 21. सो इन दिस पर्टिकुलर रेंज आई कैन से कि मेरा जो क्वार्टाइल Q1 का जो पहला जो लिमिट आ रहा है दैट इज माई 21. सो ये हुआ मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल. अगर मैं इसका सेकेंड देखूं तो सेकेंड तो ऑब्वियसली हमारा मिड पॉइंट ही होगा विच इज ऑब्वियसली अगर आप देखें यहाँ पर 5th and 6th को हमें कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 10 नंबर्स हैं. सो नाउ वेन यू सी दिस 2 नंबर्स दैट इज 56+62, अगर आप इनको एड करके इनका एवरेज निकाले डिवाइडिंग बाई 2 सो इट विल बी 59. सो दिस इज माई सेकेंड क्वार्टाइल. एंड सिमिलरली मेरा थर्ड क्वार्टाइल भी मैं एक्सक्लूसिव मोड पे कैलकुलेट कर सकता हूँ. सो वॉट आई डू, ये तो हुआ मेरा एक्सक्लूसिव मोड. इसी तरह से अगर मैं इसे इंक्लूसिव मोड पे कैलकुलेट करना चाहूँ, आई मीन मैं फर्स्ट क्वार्टाइल की बात कर रहा हूँ या 25 परसेंटाइल की बात करूँ, तो चलिए इंक्लूसिव मोड पे इसका कैलकुलेशन देखते हैं. सो नाउ मैंने यहाँ पे फिर से सेम वही डेटा को ले लिया है. सबसे पहले अब चूंकि हम क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं इंक्लूसिव मोड पे, सो ऑब्वियसली सबसे पहले हमने इस पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया.
मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर ये सारे नंबर्स या जो डेटा हैं उनकी पोजिशनिंग कर दी है, सो दैट हमें पोजिशन एलोकेट करने में या लोकेट करने में कोई प्रॉब्लम मत हो. ना ऑब्वियसली हम फर्स्ट क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं, दैट इज माई Q1. एक जानकारी आपको दे दूं कि जैसे जब हम क्वार्टाइल की बात करते हैं तो इसका मतलब हमने 4 इक्वल पार्ट्स में अपने गिवन डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड किया. दिस इज माई फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज माई सेकेंड, दिस इज माई थर्ड क्वार्टर एंड दिस इज माई फोर्थ क्वार्टर. फर्स्ट क्वार्टर का मतलब दिस इज माई 25% दिस इज 50%, दिस इज माई 75% एंड दिस इज माई 100%. तो इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर जब भी हम लेंगे तो इट शुड बी ऑलवेज 25%, जो अभी हमने प्रीवियसली एक्सक्लूसिव में भी देखा. जब हम इंक्लूसिव मोड पे क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, मीन्स मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे Q1 की, वी कैन से दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज माई Q3 एंड दिस इज वॉट माई Q4. सो इंक्लूसिव मोड पे सबसे पहला पॉइंट तो ये रहता है, असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए. इसमें जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है, जो सबसे एंड वैल्यू होती है, आप उसे यहाँ पर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं. इसे छोड़ने के बाद जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज हैं, यहाँ पे टोटल 10 वैल्यूज थी तो अब बची हमारे पास 9 वैल्यूज, इसकी बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना है. तो मैं एज आई सेड प्रीवियसली कि क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इंटरवल फाइंड करना होगा, इंटरवल इन द सेंस पोजिशन लोकेट करनी होगी. उसके बाद हमें डिस्टेंस मेजर करना होगा, डिस्टेंस कितने का रहा है, और उसके बेसिस पे हम इस क्वार्टाइल को कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल को. पोजीशन लोकेट करने की जहां तक बात है तो इसका जो फॉर्मूला इंक्लूसिव मोड पे होता है, इस लास्ट पार्ट को एक्सक्लूड करने के बाद में, सो आई कैन से इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज होता है. यहाँ पे हम लिखते हैं n इंटू पी अपॉन 100 एंड उसके बाद में इसमें हम ऐड करते हैं 1 को. सो बिकॉज हमने क्वार्टाइल की बात की हुई तो ऑब्वियसली 25% है, फर्स्ट क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, तो इट शुड बी n इंटू से 25 बाई 100, विच इज ऑब्वियसली लाइक अगर मैं इसमें प्लस 1 भी कर दूं तो इट शुड बी n इंटू 0.25 एंड इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे. बेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला अगर मैं इंटरवल फाइंड आउट करने की बात करूं, वी हैव टोटल 9 नंबर्स नाउ. सो मैंने यहां पे लिखा 9 इंटू 0.25 एंड इसे कैलकुलेट करने के बाद इसमें आप 1 को ऐड करो. बेसिस ऑन दिस जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा इंटरवल आ जाएगा, सो दैट अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो इट शुड बी 2.25, देन आई एम एडिंग दिस 1, सो फाइनली इट विल बी 3.25. इसका मतलब ये जो वैल्यू है 3.25, मतलब ये हुआ कि जो मेरी वैल्यू क्वांटाइल की एग्जिस्ट करेगी उसकी जो पोजीशन होगी वो थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू के बीच में होगी. सो आई कैन से यहां पर मेरे पास दो पोजीशंस हैं 3 और 4, और जो मेरा क्वार्टाइल लोकेट होगा अगर मैं इस 0.25 इस सिंगल क्वार्टाइल की बात करूं, सो 3 के बाद में ये 1 क्वार्टाइल अवे होगा और 4 से ये 3 क्वार्टाइल अवे होगा, मीन्स ये पहले होगा इसके बाद में ये बाद में होगा. सो आई कैन सिंपली से दिस अवे एंड दिस इज व्हाट अवे. मैं यहां पर इसे बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मोड पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. सो ये मेरा मिल गया कि थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन और उसके बीच का क्वार्टाइल का डिफरेंस कितना होगा. नाउ द क्वेश्चन इज दैट इन दोनों की वैल्यू की बेसिस पे कितना डिस्टेंस हमें एज ए क्वार्टाइल मेजर करना होगा उसका हम कैलकुलेट करते हैं. सो ये जो थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू है दैट इज माई 34, दैट इज माई फोर्थ वैल्यू, एंड 22 इसे मैं इसमें माइनस करूंगा. एंड इसमें चूंकि क्वार्टाइल है तो ऑब्वियसली मैं 0.25 को यहां पे मैनिपुलेट करूंगा. सो दिस टाइम इट विल बी 12 इंटू 0.25, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी 3.0. तो मतलब एक क्वार्टाइल अवे करना है, मतलब 3 का डिस्टेंस ये मेजर करेगा. बेसिस ऑन दिस फैक्ट अब मेरे पास अगर आप थर्ड पोजिशन की वैल्यू को ले या फोर्थ पोजिशन की वैल्यू ले, इन दोनों की वैल्यू के साथ में अगर आप इसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो जैसे थर्ड पोजीशन है दैट इज माय 22, सो मैं 22 में यहां पे ये बोल रहा है 1 क्वार्टर अवे, सो मैं यहां पे करूंगा प्लस 1 इनटू क्वार्टर का जो डिस्टेंस है दैट इज माय 3, सो दिस विल बी 3.0, दिस विल बी 22 प्लस 3.0 एंड दिस विल बी फाइनली 25. अब अगर मैं फोर्थ पोजीशन की बात करूं दैट इज माय 34, अगर मैं इस 34 को यहां पे लूं तो इससे मुझे इसे माइनस करना होगा. सो मैं यहां पे इसे करता हूं माइनस, यहां पे ये बोल रहा है 3 क्वार्टर, सो मैं लूंगा 3 इंटू 3.0 एंड दिस विल बी 34 माइनस 9.0 एंड दिस विल बी अगेन 25. इसका मतलब ये मेरा फॉर्मूला बिल्कुल सही है, दोनों ही केस में 25 आ रहा है. इसका मतलब अगर मैं इंक्लूसिव मोड पे बात करूं तो जो मेरा फर्स्ट क्वार्टर का लिमिट आएगा दिस विल बी माई 25.
सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट यू नो क्वार्टाइल। जहां तक बात है हमारे डेटा फ्रेम की, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब आप पाइथन पैंडा में वर्क करते हैं डेटा फ्रेम के साथ में, तो वहां पर हम यूज करते हैं क्वांटाइल मेथड का। ये जो क्वांटाइल मेथड होता है ये इंक्लूसिव मोड पे एक्चुअली क्वार्टाइल को कैलकुलेट करता है। चलिए मैं एक बार प्रैक्टिकली इसे आपको करके दिखाता हूं कि जो मैंने ये कैलकुलेशन किया है ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो नाउ एज यू कैन सी दिस इज माई पाइथन शेल। मैं जल्दी से यहाँ पे पहले पैंडा लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में ये जो वैल्यूज की बेसिस पे मैंने एग्जाम्पल दिया उन्हीं वैल्यूज को लेके एक डेटा फ्रेम रेडी करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई डेटा फ्रेम, इट इज रेडी नाउ। सो नाउ सबसे पहले मैं इस डेटा फ्रेम को प्रिंट करता हूँ। सो दीज आर दी वैल्यूज। अब अगर चूंकि हमें इसका क्वार्टाइल निकालना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डेटा फ्रेम का मेथड दैट इज क्वांटाइल। नाउ इस क्वांटाइल को लेने के बाद में जब हम क्वार्टाइल लेना चाहते हैं तो हमें मेंशन करना पड़ेगा 0.25 को, सो दैट ये फर्स्ट क्वार्टाइल को कैलकुलेट करेगा। अब अगर आप इसे एंटर करें तो आप देखिए यहाँ पर ये 25 आपको डिस्प्ले कर रहा है और ये वही वैल्यू है जो अभी हमने एग्जाम्पल में कैलकुलेट भी किया। यू कैन सी दिस इज माई 25। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम कैलकुलेट करता है क्वार्टाइल को। चलिए ये फर्स्ट क्वार्टर की मैंने बात की, अब हम एक थर्ड क्वार्टर को भी इंक्लूसिव मोड पे ही कैलकुलेट करते हैं सो दैट हमारा ये कन्फ्यूजन और अच्छे से दूर हो जाएगा। सो आई एम टेकिंग द सेम डेटा अगेन। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ये आ गया, मैंने पोजिशन इसकी लोकेट कर दी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव मोड। तो एज आई सेड हमारा ये जो लास्ट वैल्यू है हम इसे यहाँ से अवॉइड करेंगे। नाउ अगर हम क्वार्टाइल की बात करें, दिस इज माय फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर। सो द थर्ड क्वार्टर होता है दैट इज ऑब्वियसली माय 75% सो यहाँ पर हमारा फिगर आएगा 0.75 की बेसिस पे। चलिए अब इस पे वर्क करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इंटरवल फाइंड आउट करना होगा, इसके बाद में डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा और डिस्टेंस के बाद में ऑब्वियसली हमारा Q3 दैट इज माय थर्ड क्वार्टर। नाउ इंटरवल के लिए एज आई सेड हमारा n इंटू 0.25 पहले हमें लेना होगा जैसा मैंने अभी बताया आपको। सो n इज नाउ हियर 9 नंबर्स, सो मैंने लिया 9 इंटू 0.25। आई एम सॉरी बिकॉज दिस टाइम वी आर कैलकुलेटिंग दिस थर्ड क्वार्टाइल सो इट शुड बी एक्चुअली 0.75। सो मैं इसे करेक्ट कर लेता हूँ। सो इट इज नाउ 0.75 एंड इसके बाद में हम इसमें ऑब्वियसली प्लस वन ऐड करेंगे। सो दिस विल बी नाउ 6.75 प्लस वन एंड दिस विल बी नाउ 7.75। इसका मतलब अब अगर आप इसकी वैल्यू की बेसिस पे यहाँ पोजीशन एलोकेट करने की कोशिश करें तो मेरी जो पोजीशन लोकेट होगी वो 7 और 8 के बीच की होगी। सो आई हैव नाउ 7 एंड 8। अगर आप 7.75 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसका मतलब 7 से ये 3 क्वार्टर अवे होगा बिकॉज हमारा जो बेसिक कैलकुलेशन होगा वो 0.25 की बेसिस पे होगा। सो वी कैन से 3 क्वार्टर और 8 की बेसिस पे हम बोल सकते हैं 1 क्वार्टर अवे होगा रिवर्स ऑर्डर में, यहाँ पे फॉरवर्ड मतलब इसमें प्लस होगा इसमें माइनस होगा। अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूँ तो 7 एंड 8th एलिमेंट है हमारा 84 और 86। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 86 माइनस 84। इसमें जो डिफरेंस आएगा उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 का और अगर आप 0.25 का कैलकुलेशन करेंगे, देखिए जब भी आपको डिस्टेंस मेजर करना है क्वार्टाइल में तो वो 0.25 के ही रेशियो में आपको करना है। थर्ड क्वार्टर का जो इंटरवल होगा इसका रीजन ये है, अगर आप 0.75 को देखें कि फॉर्मूला हमारा ये बोल रहा था कि इट शुड बी एक्चुअली n प्लस पी बाई 100 एंड इसमें हमें प्लस 1 को ऐड करना था। एंड अगर परसेंटाइल की बात करें थर्ड क्वार्टर की दैट इज ऑलवेज मावर 75। सो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया n प्लस 75 बाई 100 किया और इसको जब आप प्लस 1 करेंगे सो दिस विल बी n इन ऑब्वियसली सॉरी ये मल्टीप्लाइड है सो दिस विल बी n इंटू 0.75 इसलिए हमने यहाँ पे 0.75 लिया है। तो ये मैंने इसमें 0.25 लिया सो दिस विल बी 2 इंटू 0.50 एंड दिस विल बी ऑब्वियसली 0.25 एंड दिस विल बी फाइनली 0.50। नाउ वी गॉट द डिस्टेंस। नाउ इसकी बेसिस पे जैसे मैंने आपको बोला कि अब मेरे पास 7th पोजीशन और 8th पोजीशन दोनों की बेसिस पे हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, आई मीन क्वार्टाइल को। सो 7th पोजीशन पे जो मेरी वैल्यू है दिस इज 84 राइट नाउ। सो अगर मैं इस 84 को लूँ एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 3 क्वार्टर अहेड तो इसका मतलब होगा प्लस 3 और जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया फॉर क्वार्टर दैट इज माई 0.5 इसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। सो दिस विल बी नाउ 84 प्लस 1.5 एंड दिस विल बी 85.5 एंड सिमिलरली अगर मैं 8th पोजीशन की बेसिस पे इसे कैलकुलेट करूं सो इट विल बी 86 माइनस इट इज सेइंग 1 क्वार्टर अवे सो आई कैन सिंपली से 1 इंटू 0.5
and this will be again 86 minus say 0.5, and this will be 85.5. So now you can see in both the situation, now we are getting 80.55. So mera third quartile jo hoga, this will be like 85.5, sorry. तो ये मेरी रेंज आएगी, इसके नीचे जो होगा वो बाकी सारे थर्ड क्वार्टल से नीचे होंगे. सो चलिए इसे भी अब हम अपने पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं सेम वैल्यूज के साथ में, इस थर्ड क्वार्टल को मेजर करने का, क्या ये वैल्यू सही है या नहीं है. सो दिस इज माय शेल, सो अगेन आई टेक दिस क्वांटाइल मेथड एंड दिस टाइम आई टेक दिस 0.75 बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग थर्ड क्वार्टाइल. सो आफ्टर टेकिंग दिस नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग अस 85.5. So now I think you can understand how your computer system, you know, calculate this quartile. I mean, chahe wo first quarter ho, chahe second ho, chahe third ho ya fourth quarter ho. Dhyan rakhe, wo hamesha inclusive mode pe hi calculate karta hai. And this is all about the basic fundamental to calculate this quartile. एंड आई होप नाउ कि आपको ये क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल का फंडामेंटल समझ में आ रहा होगा. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे हमने परसेंटाइल की बात की, अब अगर आपको इसका 10% अगर कैलकुलेट करना है तो व्हाट यू कैन डू इस 0.75 की जगह आप इसे ऑब्वियसली लाइक ये जो पोजीशन लोकेटर है यहाँ पे आप इसे 10 करके आगे ऑपरेट कर सकते हैं. सो ये तो बात हुई मैनुअल ऑपरेशंस की. अब इसकी बेसिस पे जैसा अभी हमने प्रैक्टिकली देखा, इन पाइथन पांडा वी यूज दिस क्वांटाइल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग आवर क्वार्टाइल. एंड बिकॉज आपके सिलेबस में इस क्वार्टाइल की बात हो रही है, इसलिए मैं सिर्फ इसी पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट करूंगा. जब भी आप क्वार्टाइल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स एज यू कैन सी. इसमें तीन आर्ग्यूमेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट इज योर क्यू, दैट इज ऑब्वियसली द परसेंटेज. ये परसेंटेज जो होता है दैट इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1. लाइक वी सॉ कि हमें फर्स्ट क्वार्टर जब लेना था तो वी टुक इट 0.25. अगर आप सेकेंड क्वार्टर की बात करें, मीन्स मीडियन की बात करें, सो दिस विल बी 0.5. थर्ड क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ, सो इट वॉज देयर एक्चुअली 0.75. सो ये इस तरीके से हम ले सकते हैं. अगर मैं इसके एक्सिस की बात करूँ, बिकॉज सी अभी हमने जो डेटा फ्रेम एग्जाम्पल में लिया था वो सिंगल था, आई मीन इट वॉज अ काइंड ऑफ सीरीज बेसिकली, जहाँ पे सिर्फ एक ही डायमेंशन था. लेकिन अगर आपने डेटा फ्रेम मल्टी डायमेंशन बनाया है, मीन्स डेटा स्ट्रक्चर आपने रेडी किया है जहाँ पे रो एंड कॉलम वाइज आपने डेटा मैनेज किया है, तो वहां पर अगर आपको रो वाइज कैलकुलेशंस करनी है तो जीरो हम लेंगे एक्सिस में, ऑब्वियसली वी नो दैट, और वन का मतलब होता है कॉलम. एंड मे बी हो सकता है आपके डेटा फ्रेम में कुछ मिसिंग वैल्यूज हों, कुछ टेक्स्ट वैल्यूज हों, साथ ही साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हों. आप चाहते हैं कि क्वांटाइल जब हम इस्तेमाल करें तो वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज की बेसिस पे ही कैलकुलेशन करे, उसके अलावा जो भी वैल्यूज हैं उन्हें वो इग्नोर कर दे, तो उसके लिए हम न्यूमेरिक अंडरस्कोर वैल्यूज को क्या करते हैं, हमेशा फॉल्स कर देते हैं. सो दीज आर दी आर्ग्यूमेंट्स विच वी ऑलवेज यूज विद दिस क्वांटाइल, जिसमें कि एक्सिस और न्यूमेरिक ऑप्शनल होते हैं. ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं इस क्यू का. तो चलिए वापस मैं अपने पाइथन शेल पे चलता हूं, वहां पे फिर से मैं इसी डेटा फ्रेम पे इन सारे क्वार्टर्स को एक साथ अगर लेके वर्क करना हो तो हम कैसे करेंगे वो भी देखते हैं. सो नाउ यू सी हियर, दिस इज माय डेटा फ्रेम. अब मैंने यहां पर अभी फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर को कैलकुलेट किया, बट आप चाहें तो सारा रिजल्ट एक साथ भी ले सकते हैं. अगर मैं यहां पे लिखता हूं क्वांटाइल, इसके ब्रैकेट पे जाके अगर मैं एक लिस्ट लूं जहां पे मैं डालूं 0.25 कॉमा से 0.5 देन कॉमा 0.75 एंड ऑब्वियसली आप चाहें तो 1 भी ले सकते हैं, हालांकि हमें उसकी जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं ले लेता हूं. सीरीज को क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज करें और एग्जीक्यूट करें. तो अब आप देखिए कि इसका जो लास्ट हाईएस्ट वैल्यू, बिकॉज जब आप इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो 92 हमारे पास आएगा. सो नाउ इट इज शोइंग यू द 92 इज द फोर्थ क्वार्टर वैल्यू. थर्ड क्वार्टर इज 85.5 एंड द सेकेंड इज योर 58 एंड द फर्स्ट क्वार्टर इज योर 25. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट क्वार्टाइल. और अभी जो हमने डेटा फ्रेम इस्तेमाल किया ये वन डायमेंशनल था. अब हम बात करते हैं 2D या टू डायमेंशनल डेटा फ्रेम की, मीन्स जहां पर हमने रोज एंड कॉलम्स में के फॉर्म में वैल्यूज ली हुई हैं हमारे डेटा फ्रेम में, उसकी बेसिस पे यदि हम क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं. सो नाउ अगेन एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी ली है जिसमें बेसिकली मैंने 4 कॉलम्स डिफाइन किए हैं. एक सेल्समैन है, बाकी 3 मंथ्स हैं जनवरी फरवरी एंड मार्च. मैंने यहाँ पे 8 और 9 डिफरेंट सेल्स पर्सन के नेम लिए हैं और उनका से फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया है उनका 3 मंथ्स का रिकॉर्ड है. बेसिस ऑन दिस डिक्शनरी हमने यहाँ पर एक डेटा फ्रेम रेडी किया हुआ है. अब इस डेटा फ्रेम
की बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्वांटाइल मेथड को इस्तेमाल करते हुए इस पे हम क्वार्टाइल को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले मैं इस डेटा फ्रेम को एग्जीक्यूट करता हूँ, रेडी कर लेता हूँ। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज व्हाट माय डेटा फ्रेम। अब हम इसकी बेसिस पे अपने क्वार्टाइल को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा अपना क्वांटाइल मेथड को। अब इसके अंदर जाके मैं बाय डिफॉल्ट दे देता हूँ फर्स्ट क्वार्टर। अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो देखिए ये 3 मंथ्स का रिकॉर्ड अपने आप ले रहा है, बिकॉज ये सेल्समैन को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को ही कैलकुलेट करेगा। सो बेसिस ऑन दैट फैक्ट इन 3 मंथ्स का आपको फर्स्ट क्वार्टर को डिस्प्ले कर रहा है। नाउ लेट सपोज अभी हमने देखा कि ये कॉलम वाइज रिकॉर्ड मिल रहा है, एक्चुअली जो कैलकुलेशन हो रही है वो हमारी रो वाइज हो रही है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो एक्सिस आर्ग्यूमेंट होता है हमारे इस क्वांटाइल मेथड का, दैट इज ऑलवेज सेट टू 0। लेट सपोज अगर मैं एक्सिस इक्वल टू 1 कर दूं, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू एग्जीक्यूट इट यू विल सी अब ये कॉलम की बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहा है, बट डेटा आपका जो डिस्प्ले होगा वो रो वाइज, इन द सेंस देखिए ये 69 आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस 70, 73 एंड 68 को लेकर उसने उसके बेसिस पे पहला क्वार्टर रेडी किया, और उसी तरह से बाकी सारे रोज पे भी आपको फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू मिल रही है। नाउ इसी तरह से यदि मैं लिखता हूँ df.quantile, नाउ दिस टाइम मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर का वैल्यूज को डिस्प्ले करना है, एंड नाउ इफ यू आर एग्जीक्यूटेड तो यू सी यहाँ पर ये तीनों मंथ्स का फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर का वैल्यू, थर्ड क्वार्टर का वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से हम क्वांटाइल मेथड को इस्तेमाल करते हुए क्वार्टाइल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको किसी इंडिविजुअल कॉलम, मींस मुझे सिर्फ जनवरी मंथ का ही क्वार्टर फाइंड आउट करना है, देन आई कैन सिंपली टेक दिस df ब्रैकेट में जेन, एंड देन अगर आप डॉट लगाकर इस क्वांटाइल को कॉल करें एंड वहां पर फिर से आप से फॉर एग्जाम्पल इसके सारे ही क्वार्टर्स को ले लें, एंड देन अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें, सो नाउ यू कैन सी ऑल दी क्वार्टर्स आर डिस्प्लेड फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम जनवरी। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस क्वांटाइल मेथड, क्वार्टाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, कैसे हम अपनी पैंडा लाइब्रेरी में इस क्वांटाइल मेथड को यूज करके डिफरेंट क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैनुअली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मैनर पे, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो आई थिंक कि जो मैनुअल प्रोसेस हमने देखा इसमें उसकी बेसिस पे आपको काफ़ी हेल्प होगी इस मेथड को अंडरस्टैंड करने पे और किस तरह से ये वैल्यू को ऑपरेट करता है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। बाय बाय एंड टेक केयर।